सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के प्रतापनगर में शनिवार को जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज ने 10 लाख लीटर क्षमता और 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के पानी की विशाल टंकी का शिलान्यास किया। इस टंकी के निर्माण के बाद नगर निगम ग्रेटर जयपुर के वार्ड 100 एवं 101 की 25 कॉलोनियों के 30,000 से अधिक आमजन को पेयजल की वर्षों पुरानी समस्या से निजात मिलेगी। उल्लेखनीय है कि आमजन पिछले 15 वर्ष से यहां पानी की हो रही किल्लत से कारण टंकी के निर्माण की मांग कर रहे थे और जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज के प्रयासों से अब ये मांग सरकार रूप से लेने जा रही है। शिलान्यास के दौरान पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश की कांग्रेस सरकार आमजन के कल्याण के लिए संकल्प है। उन्होंने कहा कि वार्ड 100 एवं 101 के निवासियों की 15 वर्ष पुरानी मांग पर कभी भी क्षेत्रीय विधायकों ने ध्यान नहीं दिया। जब इस समस्या की जानकारी उन्हें हुई तो उन्होंने इस कार्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया और अब इस टंकी का शिलान्यास हो चुका है। जल्द ही इस टंकी का काम पूरा होगा और आसपास के क्षेत्र की लगभग 25 कॉलोनियों के 30,000 से अधिक लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। गहलोत जी के आशीर्वाद से 10 लाख लीटर क्षमता की 2 करोड़ की लागत से बनने वाली ये टंकी इस आसपास की कॉलोनियों के लिए एक वरदान बनके साबित होगी और यहाँ पानी की जो किल्लत है, कम से कम 25 से ज़्यादा यहाँ कॉलोनियाँ हैं जिनके कम से कम 20,000 से ज़्यादा लोगों को आने वाले समय में पानी की किल्लत से छुटकारा मिल पाएगा। आज इसका शुभारम्भ आज सभी वरिष्ठों के नेतृत्व में किया गया, आप देख रहे हैं।